Hello everyone, this is Mohammad Asim and welcome to my YouTube channel. So the lesson that I'm going to teach today is on the tenses again. As we know, in the previous video, we have started a series of tenses and its types. And there I explained the whole classification of tenses. So I hope that you remember all what we have discussed in that particular video. So basically, this is going to be the second part of the series in which we will discuss past and future tense together. And in the third part, we're going to be discussing all of the sentences like affirmative sentence, negative interrogative sentence, and interrogative negative sentence, and WH types of questions. Okay, so if you're ready, let's get started. So let's start our today's session, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे past and future tense. तो चलिए देखते हैं past tense होता क्या है. तो past tense के चार aspect हैं, जैसे कि हमें पता है past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, तो one of the aspects जो क्या है past indefinite. तो पहले देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट होता क्या है. दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि जो भी कंप्लीटेड एक्शन हो गए हैं पास्ट के अंदर उनको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोलेंगे. जब भी सेंटेंस के अंदर या यी ये ता था ती थे ते थे आए उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं. सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम इसके एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर से हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी. बिल्कुल वैसे ही रखेंगे वीडियो को जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने अच्छे से समझा था, कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन हो. ओके, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जी हाँ, तो वर्ब क्या होगा इसके अंदर, वर्ब जो होगा हमारा वी टू फॉर्म में होगा, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी. अब टेंस क्या होता है, टेंस यही तो होता है जब भी वक्त, जो भी वक्त होता है हमारा उसके हिसाब से जब भी हमारी वर्ब चेंज होती है उसको हम टेंस बोलते हैं. तो प्रेजेंट के अंदर क्या था, ये वी वन था, नाउ इट बिकेम वी टू, राइट. तो वर्ब चेंज हो गया क्योंकि हमारा समय बदल गया, टाइम चेंज हो गया. प्रेजेंट से अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं. तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. I played soccer with my friends last Sunday. मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ सॉकर खेला लास्ट संडे, यानी कि लास्ट संडे की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है. इट ये क्या हो गया, ये चीज हो चुकी है. तो ये क्या होगा हमारा, प्लेड. ये क्या हो गया हमारा, प्लेड. वी टू फॉर्म आ गई, राइट. तो आई क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, देन सॉकर विद माई फ्रेंड्स लास्ट संडे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट. आई होप कि आपको पहला एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया. चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है. अमेंडा, Amanda gave me a present for our wedding anniversary. Amanda ने हमें क्या दिया, दिया wedding anniversary पर हमारे present दिया, right? तो ये भी हमारे past में बात हुई है, हो चुका है event हमारा, हो चुका है, right? तो यहाँ पर क्या है हमारा V2, gave, and the subject is Amanda, and this one, ये क्या हो जाएगा हमारा, object, right? अब आपने एक चीज़ notice की, यहाँ हमने क्या लगाया, ED, और यहां हमारा क्या है, पूरा डिफरेंट वर्ब है, यानी कि फॉर्म क्या है इसका डिफरेंट है, और यहां पर हमने क्या ऐड किया है, ED ऐड किया है. तो वी जनरली डू दिस फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, क्या करते हैं हम उसके अंदर ऐड करते हैं ED, तो हमारा वो क्या बन जाता है, सेकेंड फॉर्म बन जाता है. बट देर आर सम वर्ब जिसके स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, राइट, तो हम उनको क्या बोलते हैं, इररेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, इररेगुलर वर्ब्स. Give, gave, given, built, 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 come, came, come, eat, at, eaten, go, went, gone. ये आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाओ V1, V2, V3 क्या होता है. ओके, तो बेसिकली दीज आर द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. अब देखते हैं अपना सेकेंड एस्पेक्ट जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस. अब ये क्या होता है, जब भी सेंटेंस में रहा था, रहे थे आए, और क्या कहता है, अनफिनिश्ड एंड ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी कि जो एक्शन है हमारा वो फिनिश नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था, खाना खा रहा था, खाया नहीं है, खा रहा था. ओके, तो अनफिनिश्ड एंड ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, तो क्या होगा हमारा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. अब इसका फॉर्म देख लेते हैं, सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब में आई एन जी देन ऑब्जेक्ट. अब किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर्ड लगेगा, मैंने यहां पर लिख दिया है आई ही शी इट के साथ हमें क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यू के साथ कभी कभी वॉज लगा देते हैं, वो गलत होता है. ओके, दे यू वी के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब लगता है. कभी कभी क्या होता है, आई के साथ हम वर्ब भी लगाते हैं, और वो भी राइट होता है. वो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस. सेंटेंस क्या है, दे वर एंजॉइंग द पार्टी, वे पार्टी इंजॉय कर रहे थे. तो ये क्या है,
ongoing action and unfinished. पार्टी खत्म नहीं हुई थी, पार्टी क्या थी, जारी थी उनकी. They were going, they were enjoying the party. Okay, तो दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर, दे के साथ क्या आएगा, वर enjoying, verb में ing, then object, right? Second sentence देख लेते हैं. He क्या है हमारा सब्जेक्ट, he के साथ क्या आएगा, was looking for job, वो job के लिए देख रहा था, वो job तलाश कर रहा था. Okay, तो ये क्या हो गया हमारा past continuous complete हो गया. I hope कि आपको past continuous and past indefinite to the third aspect of future tense. देखते हैं क्या है future perfect. Okay, तो चलिए देखते हैं future perfect tense क्या होता है. जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, चुका होगा, चुके होंगे आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे. या फिर हमारा साउंड जैसे हमने हर बाकी पीछे के दो में देखा है, आ ई ए साउंड आएगा लास्ट में, तो हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा. तो फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट उसके साथ विल, शैल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. अब विल शैल का क्या है, विल शैल जो है हमारा सिर्फ शैल जो है हमारा आई और वी के साथ आता है. नाउ अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश का ज़माना है, तो मॉडर्न इंग्लिश में सब लोग विल ही यूज़ करते हैं ज़्यादा. तो जब भी अगर आपने शैल का यूज़ करना हो तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, आई एंड वी, अदरवाइज आप किसी के साथ भी विल यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो एक दो तीन सेंटेंस देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं इस साल के लास्ट तक ये बुक ख़त्म कर चुका होऊंगा या ख़त्म कर लूँगा. तो आ साउंड आ जाएगा, या ख़त्म कर चुका होऊंगा. तो आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल, हैव, फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, देन हमारा ऑब्जेक्ट, दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. दूसरा सेंटेंस देखते हैं अपना, दे विल हैव लेफ्ट जापान, जापान बाय संडे, वो संडे तक जापान छोड़ चुके होंगे या छोड़ देंगे. तो सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, दे के साथ विल, देन हैव, लेफ्ट क्या होगा हमारा वर्ब की, वर्ब हमारा वर्ब हो जाएगा. तो लेफ्ट 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 राइट जापान बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. आई होप कि आपको दूसरा एग्जाम्पल अच्छे समझ आ गया. तीसरा देखते हैं, We shall have bought a new laptop by the end of this month. हम इस month के last तक new laptop खरीद चुके होंगे या खरीद लेंगे. Okay? तो we क्या हो गया हमारा? Again subject हो गया. Shall, I और we के साथ ही लगाते हैं हम. अगर आपने नहीं लगाना तो सिर्फ आप will किसी के भी साथ लगा सकते हैं. We shall have bought, third form again, a new laptop by the end of this month. I hope कि आपको future perfect tense अच्छे से समझ में आ गया with the help of sentences and formula. Okay, तो चलिए देखते हैं अपना future perfect continuous tense क्या होता है. तो basically future perfect continuous tense वही होता है जिसके अंदर हमारा sentence में रहा होगा, रहे होंगे या रहे होंगे आएगा, और हमारा time भी उसके अंदर दिया होगा जैसे हमने पिछले sentences, पिछले tenses के अंदर देखा है. तो देखते हैं formula क्या है इसका. Formula क्या है, subject plus will या shall प्लस हैव, उसके साथ क्या आ जाएगा हमारा हमेशा बिन, राइट, देन वर्ब के अंदर आई एन जी ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑन दैट फील्ड सिंस मॉर्निंग, वे उस फील्ड पर सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे. तो यहाँ क्या है हमारा सिंस क्यों आया, क्यों हमारा टाइम गिवन है मॉर्निंग, राइट, तो हमारा क्या आएगा सिंस आ गया. चलिए देखते हैं, दे क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा विल, देन हैव, देन बीन प्लेइंग वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन हमारा यहाँ पर क्या आएगा. चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपना, ही विल हैव बीन स्टार्टिंग हिज बिजनेस सिंस मे, वह अपना बिजनेस मई से स्टार्ट कर रहा होगा. तो ही क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल आएगा उसके साथ, देन हैव, देन बीन, देन स्टार्टिंग वर्ब में हमारी आई एन जी लग जाएगी, हिज बिजनेस सिंस मे, यहाँ पर क्या है मंथ गिविन है. तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपना, आई शैल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स, मैं 21 साल से पियानो बजा रहा हूँगा. ओके, तो आई क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आएगा हमारा शैल आ गया,
मैंने आपको बताया था कि आई के और वी के साथ ही शैल आएगा. ओके तो यहाँ पर आई के साथ शैल आ गया. देन हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स. यहाँ पर फोर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर साल गिविन नहीं है कि कौन से साल से बात कर रहा है, 2010 से, 11 से. तो यहाँ पर ये क्या है, ईयर क्या है, स्पेसिफिक नहीं है. तो आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस कंप्लीटेड दिस लेसन. ओके इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले इंट्रो देखा, देन डेफिनेशन, देन काइंड्स ऑफ टेंसेस देखे कितने तरीके के होते हैं. उसके अंदर क्या था हमारा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर हमने एक एक करके उसको गो थ्रू करा, किसके साथ? फार्मूला के साथ. फिर उसके बाद सेंटेंसेस हमने देखे. आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस, सारे फार्मूले अच्छे से आ गए. ओके सो इन द अपकमिंग वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ द सेंटेंसेस. ओके सो टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय.